मुक्कम लात हो रहे हैं। पहले भी अटैक करते थे, मैं तो कई बार कहता हूँ भाई ये सत्ता के इतने भूखे हैं लोग कि ये उस सत्ता के लालच में एक दूसरे का कहीं मर्डर ना करते। देखिए पुरानी पार्टियों का ही ब्योंत नहीं बचेगा, जब झाड़ू का जादू चलेगा तो पुरानी पार्टी उठ जाएंगी जो है कि भाई ये विपक्षी को एक भी कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोरा तो आपके पड़ोस में भिवानी जिले का पहला गांव है, छांग गांव। छांग में स्वामी रामानंद जी आश्रम है, उनकी महाराज जी की आज 11वीं पुण्यतिथि थी, उस मौके पर हम लोग वहाँ साध संगत से भी और साधु समाज सारा आया हुआ था, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे थे। विकास जी ने आदेश किया जब उनको पता चला, और मैं समझता हूँ कि मैं इनके साथियों से मिलने उसी भावना के साथ हम आए हैं। बाकी हालात आपको वो सबको पूरे देश और प्रदेश के पता ही है, किस तरीके से आज देश में किसान मजदूर नौजवान हमारी माताएं बहनें छोटे छोटे दुकानदार कर्मचारी वर्ग हर एक का शोषण करने की इस सरकार की कोशिश है। और विपक्ष जो है जिस तरीके से जिम्मेदारी जिसको केंद्र में संसद में विपक्ष की भूमिका दी, जिनको प्रदेश में दी, आज वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने नतमस्तक है और इन वर्गों की लड़ाई लड़ने में असक्षम है। सर और यही कारण है कि आज जब विपक्ष को सड़कों के ऊपर होना चाहिए था, वो विपक्ष सड़कों पे ना होकर के, ये हर वर्ग आज आशा वर्कर उनकी डेथ हो जाती है राखी वाले दिन सरकार के साथ, क्योंकि उनका जो चल रहा है अपनी मांगों को लेकर के वाद विवाद, किसान उनके ऊपर लाठियां भांजी जाती है, उनके ऊपर बार बार अटैक होते हैं, चाहे वो MSP का मामला हो, चाहे किसी काले कानून वापसी का मामला हो, CET के ऊपर नौजवान पीटे जाते हैं, दिल्ली के अंदर पहलवान महिला खिलाड़ी पीटी जाती है, तो कौन सा वर्ग सुरक्षित है? और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज देश और प्रदेश के अंदर लोग बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, हमारी नीति और कार्यक्रमों को देख रहे हैं, और उसी को लेकर के पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 4,000 करीबन हमने पदाधिकारी बनाए हैं अभी तक, और अगले 1-1.5 महीने के अंदर 2 से 2.5 लाख हमारे पदाधिकारी गांव के स्तर पर, वार्डों के स्तर पर होंगे। परिवार जोड़ो अभियान की घोषणा अरविंद जी ने करी है, जल्दी वो अभियान भी शुरू होगा। हमने सदस्यता अभियान पीछे चलाया था, 20 लाख से ज़्यादा सदस्य उस समय बनाए, और अब भी जो भी चाहता है आम आदमी पार्टी का सदस्य बनना उनका स्वागत है, और उसके लिए टोल फ्री नंबर भी, मिस कॉल भी, वो भी इशू पार्टी ने किया है। बिजली आंदोलन हुआ, बिजली की दिक्कत कितनी बड़ी है पूरे प्रदेश के अंदर ये आप सब जानते हैं, लंबे लंबे कट लगते हैं, देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हरियाणा के अंदर है, और इन मुद्दों को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने 7,500 जो हमारे गांव और वार्ड है उसके अंदर बिजली आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बातों को लेकर के गए कि किस तरीके से 300 यूनिट फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली, वो हम आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो देने का काम करेंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, ये तो है ही, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये तो प्राथमिकता आम आदमी पार्टी की है ही। जी सर, आज महम के विधायक हैं बलराज कुंडू जी, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की है, तो आप किस नजरिए से देखते हैं उनको? देखिए पुरानी पार्टियों का ही ब्योंत नहीं बचेगा, जब झाड़ू का जादू चलेगा तो पुरानी पार्टी उठ जाएंगी जो कहती है हम 135 साल पुरानी है, कोई कहती है हमने भाई देश का बंटवारा कर दिया, लोगों के बहुत जहर घोला जाति का धर्म का, जब वही साफ हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि नहीं का तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में स्कोप है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है, मेहनत करती है, लोगों का दिल जीतने का काम करती है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर उसके बाद तो जादू ही जादू है, फिर तो 70 में से 67 आती है, 117 में से 92 आती है, और हरियाणा का मैं इतना कह सकता हूँ कि हरियाणा वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। मुझे तो कई बार ये भी होता है कि भाई ये विपक्ष
विपक्षी को एक भी कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर पंजाब के लोगों ने साबित कर दिया, 25-25, 30-30 साल जो मुख्यमंत्री थे, यहाँ तो इतना बड़ा सौदा किसी का ही नहीं, वो तो 25-25 साल रह लिए थे मुख्यमंत्री। जब उनको उखाड़ फेंक सकती है जनता, राजे महाराजाओं को जो है छोटे 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 तो वो नहीं थे लेकिन उनको लोग आंकते थे, जैसे शुरू शुरू में पत्रकारों को भी सोचते हैं, आप भी को भी सोच लेते हैं ये क्या कर लेगा, लेकिन जब वो अपनी वाणी चलाता है, पत्रकार कलम चलाता है, तो फिर वो कर देता है काम। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का भी यही मॉडल है कि हमें साधारण परिवार के लोगों को ताकत देनी है। ये जो परिवारवाद की उससे आगे आते हैं राजनीति में, ये तो आते ही मीटर खींचते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। कई कई पीढ़ियों का भ्रष्टाचार का खून इनकी जब रोगों में दौड़ता है तो फिर जनता के मीटर भी बहुत तेज दौड़ते हैं, फिर महंगाई भी होती है, फिर भ्रष्टाचार भी होता है, फिर अस्पताल और जो स्कूल है उनका पैसा ये खा जाते हैं, रोजगार देते नहीं है नौजवानों को, उद्योग धंधों का पलायन होता है। इस हरियाणा के अंदर ही कानून व्यवस्था कितनी लचर है कि आप देख ही सकते हो, रोज यहाँ गोलियां चलती हैं, रोज गैंगरेप की घटनाएं होती हैं, रोज चोरी डकैती फिरौती मांगी जाती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आज व्यवस्था बदलने के लिए समय आ गया है। अगर हम इस देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी और अरविंद जी को मजबूत करें और प्रदेश में नए साथियों को मौका दें। मुक्कम लात हो रहे हैं, पहले भी अटैक करते थे, मैं तो कई बार कहता हूँ भाई ये सत्ता के इतने भूखे हैं लोग कि ये उस सत्ता के लालच में एक दूसरे का कहीं मर्डर ना करते, जैसी स्थिति अब आ गई है। लड़ना तो इनको जनता के लिए चाहिए, सड़कों पे लड़ना चाहिए, और ये खुद ही लड़ने में लगे हुए हैं। तो जिनके ये गलत फहमी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वैसे तो हमें पता है 90 से हमारी तो कोशिश रहेगी 90 की 90, पर मुझे नहीं लगता कि जो ये दावा भी कर रहे हैं वो अपनी सीट बचा पाए। सर आम आदमी पार्टी में जब से आए हैं तो आप कितना क्या कैसा महसूस करें? आम आदमी पार्टी स्वर्ग है और कांग्रेस नरक है, तो मैं तो सबको कहता हूँ भाई नरक से बाहर आओ, स्वर्ग की अनुभूति लो, स्वर्ग में रह करके एहसास करो, और पूरे देश को हम स्वर्ग कैसे बनाए इसके लिए मिल करके काम करो, क्योंकि वहाँ तो यही है अनुशासनहीनता, गुटबाजी, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत, उसी का नतीजा है कि वो जिसके अंदर खुद इतनी नफरत हो जाती है तो वो अपने को ही ख़त्म करने में लग जाता है। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक सोच है, और उसी का मैं समझता हूँ कि नतीजा होता है कि लगातार तरक्की होती है। देखिए आम आदमी पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि सरकार को केंद्र में आए हुए 9.5 साल हो गए, 9 साल में बहुत मौके थे जब इस तरह की चर्चा करते, 2014 में आते ही करनी चाहिए थी। चलो उस समय भूल गए होंगे भाई, सत्ता में मदमस्त थे, अडानी अंबानी के बारे में सोच रहे होंगे, तो 19 में जब आए दोबारा सोचना चाहिए था, लेकिन उस समय भी नहीं सोचा। और अब आकर के जब 6 महीने भी नहीं बचे हैं चुनाव के प्रैक्टिकली, तो अब कह रहे हैं कि जी वन नेशन वन इलेक्शन, इसका एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। ये तो सिर्फ जो लोग इसको सार्वजनिक तौर पे ये कहेंगे कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करने, वो बीजेपी को भी पता है कि इस देश के अंदर इतने शॉर्ट समय के अंदर, इतने अल्प समय में ना तो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। हाँ अगर सरकार चाले तो जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन, वो संभव है।